कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो यहाँ पर दिया हुआ है आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो है माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पर आंसर दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो इसमें सहायक, भीतरी, बाहरी, ये सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा भीतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज एमई में एमई से क्या शब्द बनता है? तो एमई से यहाँ पर बनेगा मिलेनियम, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस तरह की मेमोरी है? भीतरी, बाहरी, सहायक या मुख्य? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? बस, पोर्ट, एस, रिंग। तो यहाँ पर इसको पोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथरनेट संबंधित है, मतलब इंटरनेट संबंधित है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित है यहाँ पर, ये इसका राइट आंसर होगा। और WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल, शिफ्ट एंड आल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन, जॉयस्टिक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अल्फा न्यूमेरिक। तो अल्फा न्यूमेरिक जो है यहाँ पर दोनों में दिया हुआ है, तो हम इसको एक को यहाँ पर सही मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, OCR। तो यहाँ पर OCR का पूरा या फुल फॉर्म पूछी गई है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? प्रिंटर, पाथ, फाइल, प्रिंट आउट। तो यहाँ पर फाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर और टच स्क्रीन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा टच स्क्रीन, इसका क्या है आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो उस कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? कंपाइलर, मेंटर, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, ALU कंट्रोल यूनिट रैम, कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, रैम रोम, CD-ROM। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा वो है PRAM। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो यहाँ पर चार दिए हैं, जान जी, कैमी, जिम क्लार्क, निकोलस बर्थ। तो यहाँ पर ये वाला फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम का भाग है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो यहाँ पर कंप्यूटर असेंबल करने के लिए लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, और यहाँ पर यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो गूगल प्लस यहाँ पर नहीं है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो यहाँ पर बुलेट आइल। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है?